हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आप सभी के लिए एनएम स्टाफ न्यू वैकेंसी 2023-24 का ऑफिशियल नोटिफिकेशन लेकर आए हैं। यदि आप भी एनएम स्टाफ नर्स भर्ती प्रक्रिया का इंतजार कर रहे हैं तो आप सभी के लिए बड़ी खुशखबरी लेकर आए हैं। बड़ी खुशखबरी देख सकते हो, आपके जो फॉर्म स्टार्ट होंगे वो 12 दिसंबर से स्टार्ट होंगे। 12 दिसंबर से आपके फॉर्म स्टार्ट होंगे स्टाफ नर्स की वैकेंसी के लिए। और इसमें आपको जो वेतन मिलेगा प्रारंभिक, वो मिलेगा 44,900 रुपये। इसमें योग्यता 12वीं प्लस डिप्लोमा यदि आपने कर रखा है तो एनएम स्टाफ नर्स के लिए आप फॉर्म अप्लाई करके सरकारी नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको कंप्लीट जानकारी बताएंगे कि कैसे आपको ये फॉर्म अप्लाई करना है, कैसे आपका इसमें सिलेक्शन होगा। अभी फ्रेंड्स आप देख सकते हो इस वैकेंसी के लिए ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हुआ है और ये विज्ञापन आप देख सकते हो। या दो प्रकार की वैकेंसीज है आपकी, नर्सिंग अधिकारी की वैकेंसीज और यहाँ मेल एंड फीमेल दोनों को बताई गई है। और भी काफी सारी वैकेंसीज है, यदि आप 10th पास हैं तो भी अप्लाई कर सकते हैं और यदि आपके पास डिप्लोमा डिग्री धारी है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले स्टाफ नर्स वैकेंसी की बात करेंगे, इसके बाद एनएम की वैकेंसीज की बात करेंगे और भी काफी सारी वैकेंसीज की हम बात करने वाले हैं, तो वीडियो को कंटिन्यू वॉच जरूर करना है। तो सबसे पहले वेतन डिटेल्स बताएंगे कि इस वैकेंसी में स्टाफ नर्स के लिए आपको क्या वेतन मिलेगा। तो फ्रेंड्स अभी आप वेतन देख सकते हो, वेतन आपको अच्छा मिल रहा है। 44,900 से आपका इसमें वेतन स्टार्ट होगा, 44,900 से आपका इसमें वेतन स्टार्ट होगा। जो वेतन आपको मिलेगा 142,400 रुपए पर मंथ आपको इस वैकेंसी में वेतन मिलेगा। तो फॉर्म जरूर अप्लाई करना यदि आपने भी 12वीं पास कर रखी है। नर्सिंग अधिकारी महिला, डिप्लोमा धारक और एक है डिग्री धारक, दो प्रकार की वैकेंसी को फिर यहां बांटा गया है। तो पहली वैकेंसी से डिप्लोमा धारक और डिग्री धारक, और इसमें भी महिला पुरुष दोनों की वैकेंसी को अलग अलग बांटा गया है। और इसमें कितनी वैकेंसी आपको मिल रही है वो जानकारी आपको यहां बताई गई है। रिक्त पदों की संख्या की यदि हम बात करें डिप्लोमा डिग्रीधारियों के लिए तो यहां 797 वैकेंसीज हैं और महिलाओं के लिए 366 वैकेंसीज है। ठीक है, ये तो डिप्लोमा धारी है उनके लिए और डिग्रीधारी के लिए कितनी वैकेंसीज है। इसके बाद यदि आप पुरुष है और पुरुष कैटेगरी से फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ डिग्रीधारी की 200 वैकेंसीज है, धारक की 200 वैकेंसीज है और धारक की आपको यहाँ वैकेंसीज मिल जाएगी 92 वैकेंसीज है डिग्रीधारी और डिप्लोमाधारी की। और इसके बाद नर्सिंग अधिकारी डिप्लोमा डिग्रीधारी की यहाँ वैकेंसी डिटेल्स आपको बताई गई है, क्या जो आपकी SC ST OBC दिव्यांग को कितनी वैकेंसीज मिल रही है वो जानकारी आपको यहां बताई गई है। तो सबसे पहले बात करेंगे जनरल कैटेगरी की। जनरल कैटेगरी में सबसे ज्यादा वैकेंसीज आपको मिल रही है, तो जनरल कैटेगरी से भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अदर स्टेट की जो कैंडिडेट है वो अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपका जो ज्वाइनिंग के समय जो रजिस्ट्रेशन है या ज्वाइनिंग के बाद आपको जो समय दिया जाएगा 2-3 महीने का, उसमें आपको रजिस्ट्रेशन करवाना होगा और आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, ये अनिवार्य बताया गया है ऑफिशियल नोटिफिकेशन में। और जब आप फॉर्म अप्लाई करेंगे तब आपको वहां की जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो आपको देने होंगे। तो फॉर्म से पहले जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज होता है वो आपको कंप्लीट पढ़ना चाहिए, या आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम आपको कमेंट में भी काफी सारे जो आपके डाउट्स हैं वो क्लियर करते हैं। और इसके बाद फ्रेंड्स यहां आपको बताई गई है डिग्री धारक और डिप्लोमा धारक अलग अलग वैकेंसीज की यहां जानकारी आपको बताई गई है। फ्रेंड्स याद देख सकते हो वेतन क्या मिल रहा है, क्योंकि इस रिक्रूटमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट है वेतन। वेतन आप देख सकते हो 44,900 से लेकर 142,400 रुपए पर मंथ, गवर्नमेंट का स्टेट का जो लेवल 7 है उसके आधार पे आपको इसमें वेतन मिल रहा है। और इसी के साथ फ्रेंड्स आपको अंशदायी पेंशन युक्त है और ये आपका जो पद का जो स्वरूप है वो आपको बताया गया है। तो सबसे पहले योग्यता की यदि हम बात करते हैं इस रिक्रूटमेंट में, अभ्यर्थियों के पास भारतीय नर्सिंग परिषद मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय इंस्टीट्यूट से BSc ऑनर्स अथवा भारतीय नर्सिंग परिषद से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्था से BSc नर्सिंग में नियमित पाठ्यक्रम अथवा, यानी कि नॉर्मली आपने BSc ऑनर्स, BSc नर्सिंग और मिडवाइफ, जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी, मनोरोग विज्ञान का डिप्लोमा यदि आपके पास है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। फ्रेंड्स वैकेंसीज आपको कहां से मिल रही है इसमें आपको अलग अलग बताई गई है। उत्तराखंड व भारतीय नर्सिंग जो धात्री परीक्षा परिषद है उसे यदि आपने BSc कर रखी है आप अप्लाई कर सकते हैं। हिंदी का कार्य साधक ज्ञान होना अनिवार्य है, यानी कि आपको इसमें जो लोकल लैंग्वेज है हिंदी उसका व्यवहारिक ज्ञान होना अनिवार्य है, तो ये नॉर्मली आपको इसमें बताया गया है। तो फॉर्म भरने से पहले आपको यहाँ डिटेल्स बताई गई है, उम्र सीमा क्या है, 21 से लेकर 42 वर्ष की जो कैंडिडेट है वो अप्लाई कर पाएंगे। फॉर्म कब से कब तक भरना है, क्योंकि इंपॉर्टेंट यही जानकारी है। तो 29 नवंबर को नोटिफिकेशन रिलीज हुआ था और इसके जो फॉर्म स्टार्ट होंगे वो होंगे 12 दिसंबर से, 12 दिसंबर से फॉर्म स्टार्ट होंगे और इसकी लास्ट डेट है 1 जनवरी 2024 तक आपको ये फॉर्म अप्लाई करना है। अब बात करेंगे ये वैकेंसीज आपकी कहां से मिल रही है आपको, तो उत्तराखंड से स्टाफ नर्स की वैकेंसी का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है। इसी के साथ फ्रेंड्स एक अदर स्टेट से भी वैकेंसीज आपको मिल रही है। सबसे पहले यहां आपको मेडिकल ऑफिसर की वैकेंसीज मिल रही है, स्टाफ नर्स की वैकेंसीज आपको मिल रही है और लेबोरेटरी टेक्नीशियन की वैकेंसीज मिल रही है। कम्युनिटी हेल्थ असिस्टेंट अर्बन फीमेल ऑनली इसमें अप्लाई कर सकती हैं, 22 वैकेंसीज हैं। और योग्यता संबंधी डिटेल्स भी आपको बताई गई है, पेमेंट भी आपको क्या मिलेगा वो भी आपको यहां बताया गया है। यदि आपने एनएम कर
रखी है, एनएम का कोर्स कर रखा है, तो आप हेल्थ कम्युनिटी हेल्थ असिस्टेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं और फार्मासिस्ट की वैकेंसीज आपको मिल रही है। तो ये आपकी वैकेंसीज आपको मिल रही है और ये जो नोटिफिकेशन है प्रत्येक स्टेट से जो निकलते रहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, हम इसी प्रकार की जानकारी आपको रोजाना देते हैं। यानी कि नोटिफिकेशन कब रिलीज हुआ है, 24/11 को नोटिफिकेशन निकला इस वैकेंसी के लिए, आप अप्लाई कर सकते हैं और इसकी भी लास्ट डेट क्या है वो भी आपको यहां बताई गई है, 1 दिसंबर से फॉर्म आपका स्टार्ट होगा। और इसके साथ फ्रेंड्स फिर आपको इसमें बताया गया फॉर्म कैसे भरना है, तो इस ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आपको फॉर्म भरना है और मिडनाइट यानी कि 12 दिसंबर तक आपका जो है फॉर्म भरा जाएगा। 100 रुपये का आवेदन फीस आपको देना होगा और यहाँ आपको कितना वेतन मिल रहा है वो डिटेल्स आपको यहाँ बताई गई है, स्टाफ नर्स के लिए कितना वेतन मिल रहा है। और इसमें फिर फ्रेंड्स आप देख सकते हो जो वैकेंसीज है आपकी वेस्ट बंगाल से है, तो वेस्ट बंगाल से भी काफी सारी वैकेंसीज निकलती है, राजस्थान से भी इस प्रकार की काफी सारी वैकेंसीज निकलती है, यूपी हरियाणा बिहार छत्तीसगढ़ झारखंड यानी कि प्रत्येक स्टेट से स्टाफ नर्स की वैकेंसी का नोटिफिकेशन रिलीज होता है, लेकिन आपके पास नोटिफिकेशन नहीं पहुंच पाता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हमारे चैनल पर वो सभी जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले दिखाई जाते हैं।